जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर के ब्लॉक सिधौली में प्रधान के रिक्त पद पर हुए उपचुनाव में लक्ष्मी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को पराजित कर विजय श्री हासिल की, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पिता अमरसेन चौधरी के निधन के बाद उनके बेटे नीरज चौधरी ने कब्जा बरकरार रखा। बता दें कि ग्राम कोड़रिया में प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें लक्ष्मी देवी ने 706 मत पाकर विजयश्री प्राप्त की। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी गुड़िया को 684 मत मिले। दो अन्य उम्मीदवारों में मोहनलाल को 106 और राकेश को 60 मत पाकर संतोष करना पड़ा। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य पद बौनाभारी के लिए उपचुनाव कराया गया। यह सीट क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे अमरसेन चौधरी के आकस्मिक निधन से रिक्त हुई थी। इस सीट पर उनके पुत्र नीरज चौधरी ने 377 मत पाकर जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी अभिषेक बिहारी लाल चौधरी को 288 मत प्राप्त हुए। अन्य प्रत्याशियों में कौशलेश को 6 मत पाकर संतोष करना पड़ा। पूरी जानकारी दे रहे हैं आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव। जीत कर रहे सभी लोग जो है, गांव के सभी लोगों ने सपोर्ट किया और सब लोग बहुत मेहनत की, ये सपोर्ट चुनाव जीते हैं। कितने मतों से आपने विजय प्राप्त की? 89। सब लोग जीत का श्रेय सभी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित ग्रामवासियों का है और बढ़ चढ़ के हम ग्राम विकास में सबकी भागीदारी और सहभागिता से हम विकास करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया और मैं हूँ सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हम खड़े हैं खंड विकास कार्यालय सिधौली पर, जहाँ पर जो है आज मतगणना हो रही है, जो कि 6 तारीख को मतदान हुआ था कोड़रिया में ग्राम पंचायत प्रधान पद का और वही बौनाभारी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का। तो पहले राउंड का मतगणना हो चुकी है। पहले राउंड में जो बौनाभारी में क्षेत्र पंचायत का जो रिजल्ट रहा है, उसमें अभिषेक चौधरी को 169 मत प्राप्त हुए, वही नीरज को 112, वही कौशलेश को 1 मत प्राप्त हुआ है। वही बात करेंगे ग्राम प्रधान पद कोड़रिया के लिए, कोड़रिया के पहले राउंड के मतगणना के बाद जो रिजल्ट रहा है, उसमें कार जो है लक्ष्मी देवी वो लगभग 169 मत पाकर पहले स्थान पर है, बाकी उनसे पीछे चल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख चुके हैं, समर्थक जुटना प्रारंभ हो चुके हैं, समर्थक यहाँ पे आ चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस का बढ़िया इंतजाम है, जो अधिकारी है अपना मतगणना में लगे हुए हैं और समर्थक जो कि जो आज माने कि वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद अभी लगभग 2-3 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद समर्थक अपना जिसके पक्ष में आए होंगे किसी को खुशी मिलेगी, किसी को निराशा हाथ लगेगी। सिधौली से आई इंडिया के लिए राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।